हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए कुछ अलग सा, क्योंकि उनको लंच करने का बिल्कुल मन नहीं था रोटी सब्जी वगैरह। तो मैं आज बच्चों के लिए बना रही हूँ थोड़े से रोल्स। तो आप देखिए, मैंने उसके लिए मैदा लिया है एक कटोरी, और यहाँ मैंने सारी उनको सब्जियाँ तो वो खाते नहीं है वैसे, इसलिए मैंने रोल के अंदर देखिए सारी फिलिंग के लिए सब्जी ली है, कैबेज, कैप्सिकम, अनियन, बीन्स। अब देखिए, मैं इस अपने रोल बनाने के लिए मैं पहले थोड़ा उनके लिए मैदा लेती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। और थोड़ी सी काली मिर्च। ये हमारी एक मैदे की शीट तैयार करनी है हमें रोल बनाने के लिए। अब हम इसको एक स्लरी बना लेंगे इसकी। ये देखिए, ये मेरा बैटर इस टाइप का होना चाहिए और गांठे बिल्कुल भी ना हो इसमें। बैटर हो गया रेडी। अब मैं इसको बनाने के लिए अपना पैन चढ़ा देती हूँ, और जो ये मेरी सब्जियाँ थी ना, इनको भी हमने थोड़े से सौते कर लेना है। उसके लिए मैं कढ़ाई चढ़ा दी है, मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई में मैंने यहाँ थोड़ा सा तेल डाल दिया है, और यहाँ पैन पे भी मैंने थोड़ा सा तेल लगा के गर्म होने के लिए रख दिया है। जीरा डाल दिया है इसमें मैंने, तेल गर्म हो गया था। अब मैं अपनी सब्जियाँ डाल दूँगी। ये देखिए, बैटर मैंने डाल दिया है। मैं हल्का सा इसके साइड में तेल डाल दूँगी, इससे हमारी ये शीट तैयार हो जाएगी। ये सब्जियाँ भी हमारी तैयार हो गई हैं। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, अब हम बाकी के मसाले डाल देते हैं इसमें। इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी मैं इसमें डालती हूँ काली मिर्च, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ओरिगैनो, और हम इसमें थोड़ी सी अब डाल देंगे अपनी टोमेटो सॉस। ये हमारा मसाला भी बनके तैयार हो गया। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये देखिए, मेरी शीट एकदम तैयार है। अब मैं इसको उतार लूँगी। अब हम इसमें फिलिंग कर देंगे। पहले हम थोड़ी सॉस लगाएंगे। उसके बाद हम अपनी ये फिलिंग डाल देंगे। ये हमने इसमें अपनी फिलिंग रख दी। अब हम इसमें थोड़ा सा पनीर डाल देंगे। हम इसको धीरे धीरे फोल्ड कर देंगे। इसको हम कर देंगे फोल्ड, रैप कर देंगे हम इसको एक अपने पेपर पर। तो ये हमारा वेज रोल एकदम रेडी है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब आप भी ज़रूर बना के देख बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और मेरी अगली वीडियो देखने से पहले मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।